के किए गए हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री के एक प्रस्ताव से योग दिवस का आयोजन प्रारंभ हुआ था। आयुष मंत्रालय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के संयोजन का विशेष अधिकार दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में पहली बार आयोजन से आकार और दायरे में लगातार विस्तृत और भव्य होता जा रहा है। यह इसलिए संभव हुआ है क्योंकि देश के लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए इस आयोजन को अपना बना लिया है। आयुष मंत्रालय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के विभिन्न कार्यक्रम के आयोजन के लिए देश के सभी मंत्रालयों, विभागों, राज्य, केंद्रीय शासित प्रदेशों के प्रमुख योग संस्थानों और योग गुरुओं से पूरे दिल से सहयोग प्राप्त होता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक प्रमुख कार्यक्रम बन गया है। यह सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। सरकार ने हमारे देश के लोगों के बीच योग को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की है। जानकारी और प्रेरणा के माध्यम से योग को अधिक से अधिक लोगों तक ले जाना इन योजनाओं का उद्देश्य है। योग के लाभ इतने अधिक है कि लोग इसके लाभों के बारे में जानने के बाद आसानी से योग को अपने जीवन में अपनाने के लिए प्रेरित होते हैं। शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में स्कूलों में योग की शुरुआत करके स्वस्थ भारतीयों की पीढ़ियों का निर्माण किया जा सकता है और अब चिकित्सा देखभाल पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपए बचा भी जा सकते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत के तहत 1,25,000 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देखभाल केंद्रों का बनाने की घोषणा की है। इससे योग सीखना और पूरे देश में लोगों के लिए इसका अभ्यास करना आसान हो जाएगा और पूरे देश में लोगों के लिए इसका अभ्यास निश्चित तौर से मिलेगा। योग को बड़ी संख्या में लोगों तक ले जाने के लिए हमें अब और अधिक योग प्रशिक्षकों की आवश्यकता है। मंत्रालय ने इस मुद्दे को हल करने के लिए एक योग प्रमाणन बोर्ड का गठन किया। यह बोर्ड व्यक्तिगत प्रशिक्षकों और योग प्रशिक्षण संस्थाओं को मान्यता देगा। यह अधिक से अधिक योग प्रशिक्षकों को गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्रदान करेगा और योग का और अधिक प्रसार करेगा। बोर्ड का कार्यक्रम अनिवार्य रूप से प्रमाणन की एक स्वैच्छिक योजना है। यह योग के गुणवत्ता और मानकों को बढ़ाएगा और योग कौशल को एक कैरियर कौशल के रूप में बढ़ावा देगा। मंत्रालय ने पर्यावरण के अनुकूल योग सामान जैसे योग मैट को बढ़ावा देने की पहल की है। यह हमारा उद्देश्य है कि योग की लोकप्रियता से पर्यावरण के लिए हानिकारक सामग्री, प्लास्टिक या अन्य प्रदूषणकारी पदार्थों से बने सामानों के उपयोग को बढ़ावा न मिले। जैसा कि आपने देखा होगा कि इस आयोजन में योगा मैट और परिधान कपास जैसे प्राकृतिक उत्पादनों से बनाए गए हैं। भारत योग का मूल स्थान है। हमारे देश की यह भी जिम्मेदारी है कि इसी पूरे मानवता के हित के लिए दूर दूर तक फैला जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए आयुष मंत्रालय ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय के साथ साथ हाथ मिलाया है ताकि विदेशी मूल के छात्रों को स्टडी इन इंडिया कार्यक्रम के अध्ययन के क्षेत्रों से योग को भी एक विषय के रूप में शामिल किया जा सके। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के गतिशील नेतृत्व में हमारी सरकार आयुष के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने वाली इतिहास में पहली सरकार है। योग आयुष का एक महत्वपूर्ण घटक है। हम इसके प्रचार और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। 2017 में योग के संवर्धन और विकास के लिए स्थापित किए गए प्रधानमंत्री पुरस्कार की घोषणा इस दिशा में एक कदम रहा है। मुझे यह बताने के लिए खुशी हो रही है कि 2019 के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कारों की घोषणा अभी की गई है। इस साल पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय श्रेणी में व्यक्तिगत पुरस्कार गुजरात के स्वामी राजर्षि मुनि को जाता है, जिन्होंने योग में अपने काम के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को सकारात्मक तरीके से स्पर्श किया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में व्यक्तिगत पुरस्कार की विजेता इटली की सुश्री एंटोनिएटा रोजी है, जो 4 दशकों से एक उत्कृष्ट योग शिक्षक और
उन्होंने यूरोप के कई हिस्सों में योग के लिए ख्याति अर्जित की है। संस्थानगत राष्ट्रीय श्रेणी में यह पुरस्कार मुंगेर के बिहार स्कूल ऑफ योग को दिया जा रहा है, जो दशकों से योग की प्रामाणिकता को बनाए रखने और लोगों के बीच इसके लोगों को फैलाने के लिए एक समर्पित रूप से काम कर रहा है। चौथा और अंतिम पुरस्कार संस्थान अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी में है और विजेता है जापान का जापान योग निकेतन है। यह संस्थान जापान के लोगों को यह सुनिश्चित करते हुए योग सिखा रही है कि उनकी शिक्षाएं व्यावसायिक विचार से कमजोर नहीं है और सच्चे भारतीय योग परंपराओं में निहित है। प्रधानमंत्री पुरस्कार के विजेताओं को ट्रॉफी, प्रमाण पत्र और प्रत्येक 25 लाख के नगद पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। मैं चारों विजेताओं को आप सबकी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। अंत में मैं पांचवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मैं रांची और झारखंड के लोगों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैं इस आयोजन के लिए उत्कृष्ट संगठनात्मक प्रयासों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और पूरे झारखंड के प्रशासनिक मशीनरी को बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि योग दिवस के इस राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी को, इस मौके को राज्य द्वारा एक अवसर में परिवर्तित किया जाएगा और आने वाले वर्ष में अधिक से अधिक लोग अपने जीवन में योग को अपनाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं फिर एक बार आप सबको धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय आयुष मंत्री जी। अब मैं झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी से अनुरोध करती हूं कि आप कृपया हम सबको संबोधित करें। सर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऐतिहासिक मौके पर झारखंड की राजधानी रांची में उपस्थित भारतीय राजनीति के सर्वाधिक लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री श्रीपद नायक जी, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र वंशी जी, विधायकगण, केंद्र सरकार, आयुष मंत्रालय, झारखंड सरकार के वरिष्ठ अधिकारीगण, कर्मचारीगण और इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हजारों की संख्या में पहुंचे सभी योग प्रेमीगण, साथ ही साथ आज पूरे राज्य में पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर जो योग दिवस के अवसर पर योग कर रहे हैं सभी झारखंड के योग प्रेमीगण, आज पूरे झारखंड के लिए गौरव और हर्ष का विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत के जनप्रिय लोकप्रिय प्रधानमंत्री और योग को पूरी दुनिया में पहचान देने वाले हमारे प्रधानमंत्री आज भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर स्वयं उपस्थित है। इस गौरवशाली आयोजन की उपस्थिति के लिए मैं झारखंड की 3.25 करोड़ जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी, झारखंड की धरती में दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद पहला आगमन और ये आगमन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर, इस अवसर पर झारखंड की 3.25 करोड़ जनता तहे दिल से उनका स्वागत करता है, हार्दिक अभिनंदन करता है। झारखंड का योग से पुराना इतिहास रहा है। यह विद्या झारखंड की संस्कृति का मूल एवं अभिन्न अंग है। यहाँ का जनजाति समाज संथाली, मुंडा, उराव हो, अपने दैनिक जीवन से लेकर नित्य तक योग को किसी न किसी रूप में अपनाए हुए हैं। यहाँ के पर्व त्योहारों सरहुल कर्मा में भी योग की झलक
हमें देखने को मिलती है। झारखंड में योगदा सत्संग, स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र, रामकिशन मिशन संस्थान में नियमित रूप से योग सिखाए जाते हैं। योग के क्षेत्र में देवघर की पावन धरती पर स्थापित रिखिया पीठ की ख्याति देश ही नहीं विदेशों तक फैली है। झारखंड में वर्तमान में 340 योग केंद्र चल रहे हैं, जहां नियमित रूप से लोगों को योग की शिक्षा प्रदान की जा रही है। केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय अभी 100 सेंटर स्थापित करने जा रही है, जहां आप लोगों का योग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। मैं फिर से एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में देश के साथ साथ झारखंड भी आगे बढ़ रहा है। यहां जो लोग पहुंचे हैं उनका भी आभार, पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर जो योग दिवस में पहुंचे हैं उनका भी आभार, और साथ ही साथ जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि इस वैश्विक युग में हमें अपनी कीमती संसाधनों की तुलना में मानव विकास की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और इसी को ध्यान में रखकर मानव विकास को विकसित करने के लिए योग को आज देश से बाहर दुनिया में योग को स्थापित कर, योग एक विद्या है जोड़ने की। जब योग की बात होती है तो जोड़ने की बात होती है, और आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत का योग, जो हमारी भारतीय संस्कृति, वो आज दुनिया, पूरी दुनिया ने ग्रहण करने का काम किया, और माननीय प्रधानमंत्री जी योग के माध्यम से आज पूरी दुनिया को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति पूरी झारखंड की जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई, और आप सभी से भी अपील कि नए भारत के निर्माण में स्वस्थ भारत की बहुत बड़ी भूमिका होगी। तो प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन, हम सिर्फ 21 जून नहीं बल्कि प्रतिदिन अपनी दिनचर्या का योग को एक साधन माने, और प्रत्येक दिन योग कर हम स्वस्थ समाज, स्वस्थ राज और स्वस्थ भारत का निर्माण कर नए भारत के निर्माण में हम सहभागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको जोहार, जय हिंद, जय झारखंड, जय भारत। धन्यवाद सर। अब हम बात करते हैं उनकी, जिनके प्रयासों से पूरा विश्व योगमय हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, पूरा विश्व आपके प्रति कृतज्ञ है। आपसे नम्र निवेदन करती हूं कि आप कृपया यहां पर उपस्थित विशाल जनसमूह को संबोधित करें। मंच पर विराजमान राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी, मुख्यमंत्री जी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मंत्री, और झारखंड के मेरे प्यारे भाई और बहनों, झारखंड रांची कर माटी के सब भाई बहन मन के मोर बट बहुत बहुत जोहार। आप सभी को, पूरे देश और दुनिया को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस प्रभात तारा मैदान से सभी देशवासियों को सुप्रभातम, और आज ये प्रभात तारा मैदान विश्व के नक्शे पर जरूर चमक रहा है। ये गौरव आज झारखंड को मिला है। आज देश और दुनिया के अनेक हिस्सों में
लाखों लोग योग दिवस मनाने के लिए अलग अलग जगह पर जमा हैं। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। योग के दुनिया भर में प्रसार में मीडिया के हमारे साथी, सोशल मीडिया से जुड़े लोग जिस तरह की अहम भूमिका निभा रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, झारखंड में योग दिवस के लिए आना अपने आप में बहुत सुखद अनुभव है। आप लोग बहुत सुबह ही अपने घरों से निकलकर दूर दूर से यहां आए हैं। मैं आप सभी का आभारी हूं। बहुत से लोगों के मन में आज ये सवाल है कि मैं पांचवां योग दिवस मनाने के लिए आज आपके साथ योग करने के लिए रांची ही क्यों आया। भाई और बहनों, रांची से मेरा लगाव तो है ही, लेकिन आज मेरे लिए रांची आने की तीन और बड़ी वजह है। पहला, जैसा कि झारखंड के नाम में ही ये वन प्रदेश है, प्रकृति के बहुत करीब है, और योग और प्रकृति का तालमेल इंसान को एक अलग ही एहसास कराता है। दूसरी बड़ी वजह यहां आने की ये थी कि रांची और स्वास्थ्य का रिश्ता अब इतिहास में दर्ज है। पिछले साल 23 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती निमित्त यहां रांची से ही हमने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी। आज दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बहुत कम समय में गरीबों के लिए बहुत बड़ा संबल बनी है। भारतीयों को आयुष्मान बनाने में योग का जो महत्व है उसे भी हम भली भांति जानते हैं, समझते हैं। इसलिए भी आज रांची आना मेरे लिए विशेष है। भाई और बहनों, अब योग के अभियान को मुझे और हम सबको मिलकर के एक अलग स्तर पर ले जाना है, और यही रांची आने की मेरी तीसरी और सबसे बड़ी वजह वो भी है। साथियों, योग हमारे देश में हमेशा से रहा है, हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। यहां झारखंड में भी जो छऊ नृत्य होता है उसमें आसनों और मुद्राओं को व्यक्त किया जाता है, लेकिन यह भी सच है कि आधुनिक योग की जो यात्रा है वो देश के ग्रामीण और आदिवासी अंचल में अभी उस तरह नहीं पहुंची है जैसी पहुंचनी चाहिए थी। अब मुझे और हम सबको मिलकर के आधुनिक योग की यात्रा शहरों से गांवों की तरफ, जंगलों की तरफ, दूर सुदूर आखिरी इंसान तक ले जानी है। गरीब और आदिवासी के घर तक योग को पहुंचाना है। मुझे योग को गरीब और आदिवासी के जीवन का भी अभिन्न हिस्सा बनाना है, क्योंकि ये गरीब ही है जो बीमारी की वजह से सबसे ज्यादा कष्ट पाता है। ये बीमारी है जो गरीब को और गरीब बना देती है। इसलिए ऐसे समय में जब देश में
गरीबी कम होने की रफ्तार बढ़ी है। योग उन लोगों के भी एक बड़ा माध्यम है जो गरीबी से बाहर निकल रहे हैं। उनके जीवन में योग की स्थापना का मतलब है उन्हें बीमारी और गरीबी के चंगुल से बचाना। साथियों, सिर्फ सुविधाओं से जीवन आसान बनाना काफी नहीं है। दवाइयां और सर्जरी का ही समाधान पर्याप्त नहीं है। आज के बदलते हुए समय में इलनेस से बचाव के साथ साथ वेलनेस पर हमारा अधिक फोकस होना जरूरी है। यही शक्ति हमें योग से मिलती है, यही भावना योग की है, पुरातन भारतीय दर्शन की भी है। योग सिर्फ तभी नहीं होता जब हम आधा घंटा जमीन या मेट पर या दरी पर होते हैं। योग अनुशासन है, समर्पण है और इसका पालन पूरे जीवन भर करना होता है। योग आयु, रंग, जाति, संप्रदाय, मत, पंथ, अमीरी, गरीबी, प्रांत, सरहद के भेद, सीमा के भेद, इन सब से परे है। योग सबका है और सब योग के हैं। साथियों, बीते 5 वर्षों में योग को हेल्थ और वेलनेस के साथ जोड़कर हमारी सरकार ने इसे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का मजबूत स्तंभ बनाने का प्रयास किया है। आज हम ये कह सकते हैं कि भारत में योग के प्रति जागरूकता हर कोने तक, हर वर्ग तक पहुंची है। ड्राइंग रूम से बोर्ड रूम तक, शहरों के पार्क से लेकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तक, गली कूचों से वेलनेस सेंटर तक, आज चारों तरफ योग को अनुभव किया जा सकता है। भाइयों और बहनों, तब मुझे और संतोष मिलता है जब मैं देखता हूं कि युवा पीढ़ी हमारी इस पुरातन पद्धति को आधुनिक के साथ जोड़ रही है, प्रचारित और प्रसारित कर रही है। युवाओं के इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडिया से योग पहले से कहीं अधिक लोकप्रिय हो गया है, जीवंत हो गया है। साथियों, आज के इस अवसर पर प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ योगा, उसकी घोषणा की गई, हमारे मंत्री श्री ने की, एक जूरी ने इसको निर्णय किया है और पूरी दुनिया में बड़ी मशक्कत करके इन लोगों को खोजा गया है। जिन साथियों को यह पुरस्कार मिला है, मैं उनकी तपस्या और योग के प्रति उनके समर्पण की सराहना करता हूं। साथियों, इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है योगा फॉर हार्ट केयर। हार्ट केयर आज पूरे विश्व के लिए एक चुनौती बन चुका है। भारत में तो बीते 2-2.5 दशकों में हार्ट से जुड़ी बीमारियों में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। दुखद बात यह है कि बहुत ही कम उम्र के युवाओं में भी हार्ट की समस्या अब बढ़ रही है। ऐसे में
हार्ट केयर अवेयरनेस के साथ साथ योग को भी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट का अहम हिस्सा बनाना जरूरी है। मैं यहां के स्थानीय योग आश्रमों से भी आग्रह करूंगा कि योग के प्रसार में और आगे बढ़ें, चाहे देवघर का ऋषियापीठ योग आश्रम हो, रांची का योगदास सत्संग सखा मठ या अन्य संस्था, वो भी इस वर्ष हार्ट केयर अवेयरनेस को थीम बनाकर आयोजन करें। और साथियों, जब उत्तम स्वास्थ्य होता है तो जीवन की नई ऊंचाइयों को पाने का एक जज्बा भी होता है। थके हुए शरीर से, टूटे हुए मन से न सपने सजाए जा सकते हैं, न अरमानों को साकार किया जा सकता है। जब हम उत्तम स्वास्थ्य की बात करते हैं, कुछ बातें हैं, पानी, पोषण, पर्यावरण, परिश्रम, ये चार चीजें, पीने का शुद्ध पानी मिले, आवश्यकता के अनुसार पोषण प्राप्त, पर्यावरण स्वच्छता, वायु पर्यावरण हो, कुछ भी पानी का कुछ भी, और परिश्रम जीवन का हिस्सा हो, तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए ये पांच चार परिणाम देते हैं। फ्रेंड्स, आई थैंक पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड फॉर ज्वाइनिंग द योगा डे सेलिब्रेशंस। वर्ल्ड ओवर द फर्स्ट रेज ऑफ द सन आर बीइंग वेलकम बाय डेडिकेटेड योगा प्रैक्टिशनर्स इज ए ब्यूटिफुल साइट। आई अर्ज यू ऑल टू एम्ब्रेस योगा एंड मेक इट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन। योगा इज एंशियंट एंड मॉडर्न, इट इज कॉन्स्टेंट एंड इवॉल्विंग। फॉर सेंचुरीज द एसेंस ऑफ योगा हैज रिमेन्ड द सेम, हेल्दी बॉडी, स्टेबल माइंड, स्पिरिट ऑफ वननेस। योगा प्रोवाइड्स अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ज्ञान और नॉलेज, कर्म और वर्क, एंड भक्ति और डिवोशन। योगा विल मेक एवरी इंडिविजुअल बेटर इन थॉट्स, एक्शन एंड स्पिरिट। फ्रेंड्स, द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रैक्टिसिंग योगा इज ग्रेटर देन परहैप्स एवर बिफोर। वी लिव इन अ टाइम व्हेन डिजीज रिलेटेड टू लाइफस्टाइल एंड स्ट्रेस आर इंक्रीजिंग। दिस कम विथ द फास्ट रूटीन्स एंड प्रेशर्स एट द वर्क प्लेस। इट पेन्स मी टू रीड अबाउट ब्राइट यंग मैन एंड वुमेन बींग अफेक्टेड बाय सब्सटेंस अब्यूज, अल्कोहलिज्म, डायबिटीज एंड सच अदर इवेंट्स। योगा offers a solution to these problems. Yoga also furthers unity among people and in our society. This can heal several challenges that our world faces. Friends, peace, harmony,
have always been associated with yoga. On the occasion of the 5th International Yoga Day, let the motto be Yoga for Peace, Harmony and Progress. Shanti, Sadbhav aur Samriddhi ke liye yoga. भाइयों और बहनों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत के बाद हमने अनेक प्रभावी कदम उठाए हैं जिनका लाभ भी देखने को मिल रहा है। भविष्य को देखते हुए हमें योग को हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बनाने के लिए, स्वभाव बनाने के लिए निरंतर काम करना है। इसके लिए योग से जुड़े साधकों, शिक्षकों और संगठनों की भूमिका बढ़ने वाली है। योग के करोड़ों लोगों के जीवन का हिस्सा बनाने के लिए मैन पावर को तैयार करना भी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी बहुत जरूरी है। ये तभी संभव है जब हम योग से जुड़े स्टैंडर्ड्स और इंस्टीट्यूशंस को विकसित हो, और इसलिए हमारी सरकार इसी सोच के साथ आगे बढ़ रही है। साथियों, आज हमारे योग को दुनिया अपना रही है, तो हमें योग से जुड़ी रिसर्च पर भी जोर देना होगा। जैसे हमारे फोन का सॉफ्टवेयर लगातार अपडेट होता रहता है, वैसे ही हमें योग के बारे में जानकारी दुनिया को देते रहना है। इसके लिए जरूरी है कि हम योग को किसी दायरे को बांधकर ना रखें। योग को मेडिकल, फिजियोथेरेपी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनसे भी जोड़ना होगा। इतना ही नहीं, हमें योग से जुड़ी प्राइवेट एंटरप्राइज स्पिरिट को भी प्रोत्साहित करना पड़ेगा, तभी हम योग का विस्तार कर पाएंगे। हमारी सरकार इन आवश्यकताओं को समझते हुए अनेक क्षेत्रों में काम कर रही है। मैं आपको अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, और मैं आशा करूंगा कि आप सभी यहां जितने योगा के प्रयोग हम करने वाले हैं, ज्यादा न करें इतना ही, लेकिन लगातार उसके ड्यूरेशन बढ़ाते जाएं, आप देखना अद्भुत लाभ अपने जीवन में होगा। मैं फिर से एक बार आपको उत्तम स्वास्थ्य के लिए, शांति, सद्भाव और समन्वय वाली जिंदगी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आइए अब हम योगाभ्यास शुरू करते हैं। मैं झारखंड सरकार का भी बधाई देता हूं कि बहुत ही कम समय में इतना बड़ा उन्होंने आयोजन किया। पहले से उनको भी पता नहीं था, दो सप्ताह पहले ही नई सरकार बनने के बाद रांची में इतना बड़ा कार्यक्रम करने का विचार आया, लेकिन इतने कम समय में झारखंड वासियों ने जो कमाल करके दिखाई है, मैं आपको, सरकार को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद।